अमेठी और रायबरेली में 6 मई को होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन रायबरेली और अमेठी के तहत बीजेपी के कई दिग्गज यूपी पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अमेठी में रोड शो करेंगे, रायबरेली में सनी देओल रोड शो करेंगे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अगले 2 दिनों तक अमेठी और रायबरेली में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को रायबरेली के चुनाव मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया है। संजीव बालियान को अमेठी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। 48 घंटे का चुनाव प्रचार का बैन खत्म होते ही आजम खान ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उन्होंने एक ही बात कही थी, लेकिन राहुल को क्लीन चिट मिल गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यह इल्जाम होना कि वो हत्या के आरोपी हैं और ऐसी पार्टी का देश को चलाना और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान न लेकर ये कह देना कि ये गलत नहीं कहा गया है, क्या संदेश देता है देशवासियों? आजम खान ने रामपुर प्रशासन पर भी आरोप लगाए और कहा कि पुलिस की गाड़ियों की तलाशी होनी चाहिए। डीएम एसपी अगर मंडी समिति के करीब से भी गुजरते हैं उनकी गाड़ियों की तलाशी होना चाहिए। पुलिस की गाड़ियों में हैकिंग मशीन आने की सूचना है, किसी किस्म का डिवाइस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मैं कितने वोटों से जीत रहा हूँ। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के नेताओं को नोटिस पकड़ा दिया है। दोनों नेताओं से चुनाव के खर्च का सही हिसाब देने को लेकर जवाब मांगा गया है। कांग्रेस कैंडिडेट दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया था। इसमें उन्होंने खर्च की राशि करीब 21,30,000 बताई है, जबकि चुनाव आयोग की टीम ने रिकॉर्ड मिलाने के बाद खर्च का हिसाब करीब 39,47,000 आंका है। बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बताए गए चुनावी खर्च में अंतर मिला है। चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे में साध्वी प्रज्ञा ने करीब 6,27,000 का खर्च बताया है, जबकि चुनाव आयोग की टीम ने करीब 13,51,000 रुपए के चुनावी खर्च का रिकॉर्ड जुटाया है। भोपाल में छठे चरण के तहत 12 मई को मतदान होगा। भोपाल लोकसभा सीट के लिए कुल 21,02,054 मतदाता है। इसमें 19,07,476 भोपाल जिले में और 1,94,578 सीहोर विधानसभा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 और भाषणों को लेकर चुनाव आयोग से क्लीन चिट मिल गई है। भाषणों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को डूबता टाइटैनिक कहा था, जिस पर एतराज जताते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि इस भाषण के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को वाराणसी में दिए एक और भाषण के मामले में भी क्लीन चिट दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी है। 22 अप्रैल को नादिया के कृष्णा नगर में दिए एक भाषण को लेकर कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज फतेहपुर और अमेठी में चुनाव प्रचार करेंगे। फतेहपुर में अमित शाह एमजी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए रोड शो करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बख्शी का तालाब लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद वो मोहनलालगंज और धौरहरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़, फैजाबाद, कैसरगंज और मोहनलालगंज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी प्रतापगढ़ में पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो दरियाबाद, बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी बहराइच और सीतापुर में भी जनसभाएं करेंगे। यूपी के सियासी रण में आज कई दिग्गजों की जनसभाएं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही वो अमेठी में कई जगहों पर रोड शो भी करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज अमेठी में कई नुक्कड़ सभाएं करेंगी और राहुल गांधी के लिए वोट की अपील करेंगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच और गोंडा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कौशाम्बी में केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की जनसभा होगी। हार्दिक पटेल भी कौशाम्बी में कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक सनी देओल आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। सनी देओल आज रायबरेली, प्रयागराज और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। दोपहर 3 बजे वो रायबरेली में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो शाम 5 बजे प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर से लोकसभा उम्मीदवार केसरी देवी पटेल के समर्थन में पुलिस लाइन इलाहाबाद से रोड शो की शुरुआत करेंगे।
पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। आनंदपुर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ और महिलाओं से मारपीट की। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि घाटाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष के लिए चुनाव प्रचार की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। 6 मई यानी सोमवार को 7 राज्यों की 51 सीटों पर मतदान होगा। बिहार के 5, जम्मू कश्मीर के 2, झारखंड के 4, मध्य प्रदेश के 7, राजस्थान के 12, उत्तर प्रदेश के 14 और पश्चिम बंगाल के 7 सीटों पर मतदान होगा। पांचवें दौर के चुनाव में कई बड़ी सियासी हस्तियों की साख दांव पर है। सबसे दिलचस्प मुकाबला अमेठी में होने वाला है, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी टक्कर देंगी। इस चरण के दौरान रायबरेली और लखनऊ में मतदान होगा, जहां से सोनिया गांधी और राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के 7 सीटों पर मतदान होने वाला है, जहां फोनी तूफान की वजह से चुनाव प्रचार की हवा निकल गई है। पश्चिम बंगाल के बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलबेड़िया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। चक्रवाती तूफान फोनी पश्चिम बंगाल को पार कर बांग्लादेश पहुंच गया है। ओडिशा को दिन में दहलाने के बाद महातूफान फोनी रात करीब 3 बजे बंगाल पहुंचा था, जिसके बाद कई जगहों पर रात से ही तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पश्चिम बंगाल पहुंचते ही फोनी की विनाशकारी ताकत ने एक नदी पर बने बांध को तोड़ दिया। कई जगहों पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बंगाल सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया था। वहीं कोलकाता एयरपोर्ट आज दोपहर 3 बजे तक बंद है। ओडिशा में चक्रवाती तूफान फोनी से मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओडिशा में करीब 12 लाख लोगों ने सुरक्षित स्थानों में शरण ली है। ओडिशा में फोनी तूफान ने पुरी, कटक, भुवनेश्वर, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर में सबसे ज्यादा असर डाला है। इन्हीं इलाकों में तूफान ने लैंडफॉल किया था और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर है। इलाके में बिजली गुल है, सड़कों को नुकसान हुआ है, रोड पर पेड़ गिरे हुए हैं और दूर संचार सेवाओं को भी नुकसान पहुंचा है। फोनी तूफान की वजह से ओडिशा के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर आज भी बंद हैं। सड़कों को क्लियर करने की कोशिश जारी है। ओडिशा से कोलकाता और चेन्नई रूट पर जाने वाली 223 रेलगाड़ियां आज भी नहीं चलेंगी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं रुकी हुई हैं। इधर आंध्र प्रदेश में फोनी तूफान से करीब 2000 बिजली के खंभे और 218 मोबाइल टावर उखड़ गए। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ट्रक और टाटा मैजिक में टक्कर से सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को जब जिला अस्पताल लाया गया तो वहां भारी लापरवाही देखने को मिली। घायलों को अंदर ले जाने के लिए नहीं पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर मिले और न ही अस्पताल का स्टाफ वहां नजर आया, जिसके चलते घायलों के परिजनों ने नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले के मास्टरमाइंड की शिनाख्त हो गई है। नक्सलियों की उत्तर गढ़चिरौली यूनिट का चीफ कमांडर भास्कर ने गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले को अंजाम दिया था। भास्कर पर 16 लाख का इनाम घोषित है और ये 15 साल से भी ज्यादा समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक भास्कर ने ही बारूदी सुरंग बिछाने का काम सौंपा था। नक्सली हमले में 15 जवान शहीद हुए थे और प्राइवेट ड्राइवर की मौत हो गई थी।